हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शेफ। तो फ्रेंड्स, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं हैदराबादी चिकन कौरमे की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीके से हमने आपके लिए किस तरह बनाया है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा ये चिकन कौरमा, तो देख लेते हैं इसकी एक क्विक सी रेसिपी हम यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिया है 1 किलो चिकन, जिसे हमने अच्छे से वॉश करके पानी निथार लिया है इसका। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप दही, और दही में भी आप देख सकते हैं बहुत कम पानी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई दही होना चाहिए, जिससे मैरिनेट अच्छा होता है ये। और हम 4 से 5 ले लेंगे हरी मिर्चें, जिसे हमने क्रश कर लिया है, और 2 टीस्पून हम ले लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पे हमने लिए 1 टीस्पून रेड कश्मीरी मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून जो हम डेली यूज़ करते हैं। दोनों मिर्चों को हम इसी में ऐड कर देंगे, और 1/4 टीस्पून लिया हमने हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लिए हमने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लिया हमने गरम मसाला पाउडर, और ये 2 टीस्पून के करीब हमने तली हुई प्याज है, और नमक हम स्वादानुसार ले लेंगे। और यहाँ पे हमने लिया है पुदीना है, ये सूखा हुआ जिसे हमने क्रश कर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है पुदीने से। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स होने के बाद हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे कम से कम 1 घंटा। आपके पास टाइम हो तो आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। तो जब तक ये मैरिनेट होता है, हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 डली प्याज को तल लिया है इस तरह से, और मोटे मोटे टमाटर काट लिए हैं, जो मीडियम साइज़ के 5 टमाटर हैं ये। अब हम इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। 1 भगोने में हमने तेल गरम कर लिया है, हमारा ये तेल वही है जिसमें हमने प्याज तली हुई थी। तो अब तेल गरम होने के बाद हम ले लेंगे 2 हरी इलायची और थोड़ी सी हमने काली मिर्ची ली हैं। इसमें ज़्यादा गरम मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम गरम मसाला ऑलरेडी चिकन में मिक्स कर चुके हैं, और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है अब हम इस गरम तेल में डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे हम चलाते जाएंगे अच्छे से और तेल में मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से चिकन बनाएंगे, और ये हैदराबादी चिकन कौरमे की रेसिपी बहुत ही आसान है, और अगर आपको बहुत ही टेस्टी कौरमा चाहिए तो आपको इस चिकन को बना के देखना ही पड़ेगा ये कैसे बनता है, और बहुत ही मज़ेदार सा चिकन बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चिकन ने अपना तेल छोड़ दिया है, थोड़ा मसाला हमारा भुन चुका है। तो बस अब हम यहाँ पर जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखा है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने बिना पानी डाले ही टमाटर और प्याज पीसे हैं, क्योंकि जो टमाटर होती है उसमें टमाटर के मॉइस्चर से प्याज पीस जाती है, तो इसलिए पानी ऐड नहीं किया है। अब हम इसको इस मसाले में डाल के भून लेंगे, और इस मसाले को भूनने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि प्याज हमारी पहले से ही तली हुई है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जिसमें हमने प्याज पीसी थी उसी जार को खंगाल के हम पानी डाल देंगे। लगभग 1 कप के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया है, पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस हमें चिकन गल जाए और हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। हम इसे सिम गैस पे दम पे ही पकाएंगे, और ये 5 से 10 मिनट बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने, और ये मसाला भी हमारा अच्छे से आपको दिख ही रहा है कि भुना भुना लग भी रहा है। और अब हम इसे चलाकर देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी थोड़ा पतलापना है, जो थोड़ी सी ग्रेवी दिख रही है, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 मिनट की अच्छे से भुनाई के बाद ये मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, और ये हमारा मसाला भुना हुआ हो गया है। हम इसी कंडीशन में इसे रखेंगे, इसको हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मलाई, जो कि हमने फ्रेश मलाई ली है बिल्कुल, और इसको हमने फेंट लिया है। ये हमारी 1 कप मलाई है, तो इस मलाई को हम इसमें डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो ग्रेवी का जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। और मलाई डालते ही इसने अपना सब कलर रूप रंग चेंज कर लिया है चिकन ने, तो ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर हो चुका है अब। तो इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जो कि हम इसे हाथों से अपने क्रश कर लेंगे, और कसूरी मेथी डाल लेंगे, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ साथ हम इसके डाल देंगे
इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला पाउडर और ऐड कर देंगे ताकि जो इसकी खुशबू है लास्ट में डालने से बहुत ही अच्छी आती है। तो इसे हम ढाँक देंगे सिम गैस करके बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ताकि जो इसके फ्लेवर है उसके अंदर ही बस जाएँ, कसूरी मेथी और गरम मसाले के और मलाई वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाए इसलिए। तो अब ये दम पे बहुत अच्छे से पक चुका है सिम गैस पे, तो हमारा कोरमा तो हो चुका है रेडी। अब हम इसे ज़्यादा हमें बिल्कुल इसे भुना भुना ही रखना है आज, तो हम इसमें कुछ अलग से पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारा कोरमा चिकन का बन के तैयार हो चुका है हैदराबादी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से हमारा चिकन कोरमा बन के रेडी हो चुका है। तो आप कहाँ हैं इसे ट्राई करके खाने के लिए, तो फ्रेंड्स आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स साथ इसे बना के ज़रूर इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे हमने इसे डिश आउट कर लिया है, आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो सोचिए खाने में कितना अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आप इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स साथ ज़रूर इंजॉय कीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।